हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी। वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में बात करेंगे। 19.08 पे दी है क्लोजिंग एंड -2.15% का आज नेगेटिव रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, जहां हमें वेट था कि 20 रुपीज़ के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, बट आज भी वो हमें देखने को नहीं मिला। आज के हाई की अगर हम बात करें तो 19.66 है एंड आज का लो है 19 रुपीज़। 3 न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी आई है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल भी मिस मत करना। गुड न्यूज़ जान के आप लोग भी खुश हो जाओगे। 52 वीक हाई है 25 रुपीज़ के आसपास एंड लो है 8 रुपीज़ के आसपास। 20% का बैंड है फ्रॉम सेबी। फंडामेंटल्स इसके हमेशा पॉजिटिव हैं। एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती है। मार्केट कैप है 1886 करोड़ का। फंडामेंटल्स की बात करें तो ईपीएस पॉजिटिव है 0.32, पीई है 59, आरओई है 18। अब चलते हैं फ्रेंड सीधा कि न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले ओपन करेंगे। आप सबको पता है क्वार्टर फोर का रिजल्ट का वेट है सबको, तो उसी से रिलेटेड है और डिविडेंड से भी रिलेटेड गुड न्यूज़ है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट को ओपन करने दीजिए तो सो दैट आप ये अच्छी तरह देख सकें और समझ सकें एंड जान सकें कि क्वार्टर फोर किस डेट को आने वाला है। 21 अप्रैल को आई है ये अनाउंसमेंट, बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर रेगुलेशन ऑफ सेबी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है, वो अपडेट है जिसका हम सबको वेट था। पहले भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है और सबको टाइमली रिसीव भी हुआ है उनके अकाउंट्स में, तो क्या कंपनी दोबारा से डिविडेंड देगी? जानते हैं। 1 पेज का डॉक्यूमेंट है, स्क्रॉल डाउन करते हैं। डियर सर मैम, स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, इस डॉक्यूमेंट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट। इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग अंडर दिस रेगुलेशन, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन थर्सडे 27 अप्रैल 2023। तो 27 अप्रैल को आ जाएगा रिजल्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है मीटिंग। 3 चीज़ें इस मीटिंग में डिस्कस होंगी। पहला, टू कंसिडर एंड टेक ऑन रिकॉर्ड द ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंड मार्च, तो रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड देखिए, सेकेंड पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, टू कंसिडर एंड रिकमेंड द फाइनल डिविडेंड इफ एनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो फ्रेंड्स, डिविडेंड का अगर डिस्कस होगा तो डेफिनेटली डिविडेंड आने ही वाला है, नहीं तो ये ऑप्शन ही नहीं आता। एंड थर्ड है एनी अदर बिजनेस। तो फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ आप समझ ही गए होंगे कि कंपनी डिविडेंड दे सकती है और 27 अप्रैल को ये पता लग जाएगा। सो फ्रेंड, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फर्दर इन्होंने ये लिखा है जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, इनसाइडर एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्ट होती है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो आप देख सकते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग विल बी रिमेन क्लोज फॉर 48 आवर्स, जो आप सबको ऑलरेडी अवेयर हो इस अपडेट से। बट मेन चीज़ जो है कि डिविडेंड डिस्कस किया जा सकता है, तो डिविडेंड मिल सकता है और रिजल्ट भी इसका। अब अगर आप ये डिविडेंड की बात करें तो आप समझ जाइए कि रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा होगा ही होगा। तो अब फ्रेंड देखना है 27 अप्रैल, ज़्यादा दिन दूर नहीं है, आप बस बेल बटन प्रेस करके रखिए। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा वैसे ही समझा दूंगी। दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट है 12.78 करोड़, तो अब देखना है यहाँ से ऊपर जाता है या नीचे जाता है या कंसिस्टेंट रहता है। इन्वेस्टर्स तो चाहेंगे कि ऊपर ही जाए। और फ्रेंड्स, 57.65% होल्डिंग है प्रोमोटर के शेयर में। टारगेट क्या लेके चलेंगे इस गुड न्यूज़ के बाद? हो सकता है कि मंडे को हमें इसमें थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल जाए। 20 रुपीज़ का टारगेट अपर साइड में लेके चलिए एंड 18 रुपीज़ का आप लोअर साइड में लेके चल सकते हैं, बट मंडे को ऊपर जाने के चांसेस हैं। बिकॉज सो दिस इज़ ऑल ऑयल इंडस्ट्री। कोई न्यू अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू कवर कर दूंगी। 27 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है।
थैंक यू सो मच।